गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश द्वारा चंद्रमा को श्राप। क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखना क्यों वर्जित है? इस रहस्य का समाधान ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। मोदक के शौकीन भगवान गणेश एक बार अपने जन्मदिन पर एक भव्य भोज पर गए। उन्होंने कई घरों में जाकर स्वादिष्ट मिठाइयां खाई और अंत में अपने वफादार मूषक पर सवार होकर घर लौट आए। जब गणेश जी अपने वाहन पर सवार होकर जा रहे थे, तभी अचानक एक सांप ने उनके रास्ते को बाधित कर दिया। संतुलन बिगड़ते ही वे जोर से धरती पर गिर पड़े। इस जोरदार झटके से उनका पेट फट गया और चमकदार मोदक हर दिशा में बिखर कर जैसे एक मधुर उत्सव का दृश्य बना दिया। गणेश जी ने जल्दी से सारे मोदक उठाकर अपने पेट में भर लिए और सांप को अपनी कमर से बांध दिया। जैसे ही यह घटना घटी, आसमान में चंद्रमा चमक रहा था। चंद्रमा, जो अपनी शरारती प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था, इस दृश्य को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक सका। गणेश जी, जो पहले से ही शर्मिंदा थे, चंद्रमा के उपहास से और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना दांत उखाड़कर चंद्रमा की ओर फेंक दिया और कहा, गणेश चतुर्थी के दिन कोई भी तुम्हें नहीं देखेगा, वरना उसे अपमानित होना पड़ेगा। यह श्राप, जो एक पल के दिव्य क्रोध से उत्पन्न हुआ था, आज इस पर्व की परंपराओं में समाहित हो गया है। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को ना देखने की आदत आज भी कायम है, जो देवता के प्राचीन आदेश के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस प्रकार यह रोचक कथा गणेश चतुर्थी के उत्सव में एक रहस्यमय आयाम जोड़ती है, जहां भक्ति और आकाश के रहस्यमय नाटक का एक अद्वितीय मेल होता है और भक्तों को आध्यात्मिक अनुभवों से भर देता है। पुराणों की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए डिवाइन नोवेल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।